Hey guys, what's up? Welcome back to a new After Effects tutorial. हम सबको पता है कि एक कस्टम एंड स्क्रीन और सो कॉल्ड आउट्रो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए। तो आज हम एक कस्टम एंड स्क्रीन बनाने जा रहे हैं After Effects में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को भी दबा देना। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए डायरेक्टली चलते हैं After Effects में। यहाँ पर पहले आके एक नया कंपोजिशन बनाते हैं। इस कंपोजिशन का नाम दे दूंगा मैं आउट्रो और इसका रेजोल्यूशन 1920x1080p में रहने देते हैं और फ्रेम रेट्स 30fps में और इसका ड्यूरेशन 15-20 seconds आप रख सकते हैं क्योंकि एंड स्क्रीन का ड्यूरेशन 20 seconds का फुल होता है, पर इस ट्यूटोरियल के लिए मैं ये 15 seconds में रहने देता हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो एक सर्कल क्रिएट करना होगा जो इस कंपोजिशन विंडो को पूरा ढकना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक एलिप्स टूल यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि हम पूरा कंपोजिशन पे फिट करा पाएं सर्कल को। अब ध्यान में रखिए कि ये इसका स्ट्रोक 0 होना चाहिए जो कि यहाँ पर नॉन पे सेट है और इसका फिल अभी कोई भी कलर दे सकते हैं क्योंकि बाद में हम इस पर एक इफेक्ट देने वाले हैं। तो कहीं पर भी शिफ्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करने से एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करके हम स्क्रीन पर ऐसे प्लेस करेंगे कि ये पूरा कवर कर रहा होगा। अभी सर्कल को हम एक ग्रेडियंट देंगे, तो उसके लिए हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके सर्च करते हैं ग्रेडियंट रैम्प। अब इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। अब इस ग्रेडियंट रैम्प का कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसके लिए एक रेड कलर यूज़ करता हूँ और सेकंड कलर के लिए मैं उसका लाइट शेड यूज़ करूँगा। तो अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब इस शेप लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ इस बैकग्राउंड। तो अभी हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। अभी हमें सॉन्ग को इंपोर्ट करना है जो हम अपने आउट्रो के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने सॉन्ग को इंपोर्ट कर लिया है। अभी इसको हम टाइमलाइन पे ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। अभी हमें एक फिक्स्ड पोजीशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हमारा आउट्रो स्टार्ट होगा। तो एक सॉन्ग का ड्रॉप पार्ट जो होता है वो आइडियली सबसे बेस्ट पार्ट होता है किसी भी आउट्रो या इंट्रो के लिए। तो मैं अभी इसका ड्रॉप ढूंढता हूँ कहाँ पर है। तो मुझे वो राइट स्पॉट मिल चुका है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पे ये ड्रॉप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमें एक एनिमेशन देना पड़ेगा बैकग्राउंड को। तो उसके लिए मैं एक सही स्पॉट चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आने बाद हमें बैकग्राउंड का एनिमेशन देना पड़ेगा। अब इसके स्केल प्रॉपर्टीज को रिवील करने के लिए इस पर एस क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक की फ्रेम प्लेस करते हैं और इसके स्केल वैल्यू को 0 कर देते हैं और थोड़ा सा फ्रेम आगे जाके इसके स्केल वैल्यूज़ को फिर से 100 कर देते हैं। तो एक सिंपल एनिमेशन यहाँ पर बन चुका है। अब इसको और भी स्मूथ करने के लिए दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करते हैं, उसे ही इजी ईज हो जाएगा। अब ग्राफ एडिटर ओपन करके यहाँ पर इसके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसको कुछ ऐसा शेप दे देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ बन चुका है। सो इट्स लुकिंग नाइस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कुछ रेक्टेंगल्स क्रिएट करना। रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगल टूल को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके फिल कलर को मैं रखूँगा डार्क ग्रे। अब कलर चूज करने बाद हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। अब रोटेशन टूल को सिलेक्ट करके इसको हम थोड़ा रोटेट करते हैं और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस कर देते हैं। अब इसको डुप्लीकेट करने बाद फिल कलर को मैं चेंज कर देता हूँ वाइट कलर में और इसको मैं रखूँगा ग्रे के नीचे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये दोनों को एनिमेट करना। तो हम अभी फर्स्ट ग्रे रेक्टेंगल को एनिमेट करते हैं। उसके लिए उसको सिलेक्ट करके उसके पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को रिवील करने के लिए पी क्लिक करते हैं और जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड का सर्कल पूरा ओपन हो रहा है वहाँ पर हम इसके पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के लिए की फ्रेम क्रिएट करेंगे और इसको आउट ऑफ स्क्रीन ले लेंगे और कुछ फ्रेम्स आगे जाके हम इसके पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को फिर से रीसेट कर देंगे। तभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया होगा। अब हम सिमिलरली वाइट के लिए भी कुछ की फ्रेम्स क्रिएट करेंगे। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अब ये सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 क्लिक करने से ही ईजी ईज हो जाएगा और एक ग्राफ एडिटर ओपन करके उनको कुछ ऐसा सिमिलर लुक दे देते हैं।
अभी हमें क्या करना है कि इसमें एक ऑडियो स्पेक्ट्रम देना पड़ेगा। तो ऑडियो स्पेक्ट्रम के लिए हमें पहले एक नया सॉलिड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर टाइमलाइन पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं। तो सॉलिड का नाम मैं रख देता हूँ एज स्पेक्ट्रम। अब उसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स पे जाके यहाँ पर जनरेट होगा। जनरेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑडियो स्पेक्ट्रम होगा, उसको सिलेक्ट करने से वो एक ऑडियो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप फिलहाल कुछ देख नहीं पा रहे होंगे, ये देखिए ये पॉइंट जो है ये एक ऑडियो स्पेक्ट्रम है। तो जब कुछ ऑडियो बजेगा तो ये उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अप डाउन होगा। तो अभी इसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं। तो हमारे जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पर स्टार्ट फ्रीक्वेंसी इसका 1 कर देते हैं और एंड फ्रीक्वेंसी 1500। इससे क्या होगा ना, हमारे सॉन्ग का मैक्सिमम पार्ट उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी बैंड्स को अराउंड 1600 रखते हैं और मैक्सिमम हाइट को अराउंड 1420। थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं अराउंड 26 और 25 और सॉफ्टनेस को अराउंड 15 to 30% कर दें। इसके इनसाइड और आउटसाइड कलर को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, पर मैं ट्यूटोरियल के लिए इसको वाइट में रखता हूँ। अभी हमारा स्पेक्ट्रम बन चुका है, बस हमें इसे ऑडियो लेयर के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स पे ऑडियो लेयर पे आके अपने सॉन्ग के साथ लिंक कर दीजिए और इस साइड ऑप्शन को साइड ए शिफ्ट कर दीजिए ताकि एक साइड पे ही अपीयर करे। मैं चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रम रिवर्स साइड में दिखे, मतलब ये अप साइड यहाँ पर दिखे, राइट साइड में दिखे और ये लोअर साइड लेफ्ट साइड में रहे। तो उसके लिए इसको इस पर सिर्फ राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को जाके हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो ये ऐसे फ्लिप हो जाएगा। अब ये एंकर पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको सेलेक्ट करके आप कुछ ऐसे प्लेस कर दीजिए इनको। तो अभी हमारा स्पेक्ट्रम बन चुका है, अभी इस पर एक ग्लो दे देते हैं ताकि और भी अट्रैक्टिव लगे और ग्लो के साथ साथ एक ड्रॉप शैडो भी दे देते हैं। ड्रॉप शैडो के डिस्टेंस को 15 पे रखते हैं और सॉफ्टनेस को अराउंड 25 और स्पेक्ट्रम लेयर को हम व्हाइट लेयर के नीचे ले आते हैं, व्हाइट और ग्रे लेयर के नीचे। अभी हमें स्पेक्ट्रम लेयर पे भी एक रिवीलिंग एनिमेशन देना पड़ेगा। उसके लिए स्पेक्ट्रम लेयर को सिलेक्ट करके इसके पोजिशन प्रॉपर्टीज़ को रिवील करते हैं और पोजिशन प्रॉपर्टीज़ को रिवील करने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम दे देते हैं जहाँ पर ये एंड होगा इसका एनिमेशन, और थोड़ा सा फ्रेम पीछे जाके इसको हम हाइड कर देते हैं। तो अभी हमारा ऑडियो स्पेक्ट्रम बन चुका है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एंड स्क्रीन एलिमेंट्स को प्लेस करना। तो एंड स्क्रीन एलिमेंट्स को प्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं मेरा एक स्क्रीनशॉट ले आया हूँ जो मेरे यूट्यूब वीडियो के लास्ट में अपेयर करता है। तो स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है कि इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसको जूम करके यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जो इससे थोड़ा बड़ा। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए हम रेक्टेंगल टूल यूज़ करते हैं और एंश्योर करना कि यहाँ पर कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो। फिल को मैं नन में रखूँगा और स्ट्रोक को मैं सॉलिड कलर पे रखूँगा। स्ट्रोक कलर वाइट में मैं रहने देता हूँ और स्ट्रोक साइज जो होगा वो 20 पे। अभी एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल ऑलमोस्ट एंड स्क्रीन एलिमेंट्स के साइज का है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हम हमारे चैनल आइकन के लिए एक सर्कल क्रिएट करेंगे। तो सर्कल के लिए यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करने से यहाँ पर एलिप्स टूल आएगा और सिमिलरली हमें एक एलिप्स ड्रॉ करना है जो हमारे आइकॉन से ज़्यादा बड़ा हो। सो आई थिंक दिस साइज इज परफेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो एंड स्क्रीन एलिमेंट्स है इनको हमें प्लेस करना पड़ेगा हमारे मेन आउट्रो में जो हम अभी बना रहे हैं। तो उसके लिए हम अभी स्क्रीनशॉट के विजिबिलिटी को ऑफ करते हैं। अभी क्या करना है कि हमें एंड स्क्रीन एलिमेंट्स को उनके जगह पे प्लेस करना पड़ेगा जहाँ पर हम उन्हें रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम उन्हें सिलेक्ट करके ड्रैग करके उनके प्लेस पे रख देते हैं जहाँ पर हम इन्हें रखना चाहते हैं और सब्सक्राइब को भी उनके बीच पे रहने देते हैं।
और ये इंश्योर करना है कि उनके एंकर पॉइंट्स हमेशा मिडिल पर रहे। मिडिल पर रखने के लिए उन पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को जाके फिर सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट सिलेक्ट करने से उनका एंकर पॉइंट मिडिल पर आ जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि ये रेक्टेंगल लेयर को हम डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेटेड लेयर के पोजिशन प्रॉपर्टीज़ को ओपन करके उसके एक्सपोजिशन को हम चेंज कर देंगे ताकि वो दूसरे साइड पे अपीयर करे। तो अभी ये ऑलमोस्ट हो गया है और इस सर्कल को थोड़ा इस साइड ले आते हैं, सो इट्स परफेक्ट। अब हमें क्या करना है कि इनको रीनेम कर देते हैं हम। पहले ये है हमारा रेक्टेंगल वन और ये था आई थिंक रेक्टेंगल टू और ये वाला हमारा सर्कल था। तो पहले ये फर्स्ट रेक्टेंगल को हम एनिमेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर रेक्टेंगल को यहाँ पर ओपन करके उसके कंटेंट्स पे जाके रेक्टेंगल वन पे जाके यहाँ पर स्ट्रोक पे जाने से हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। अब ये ऑप्शंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं, स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अराउंड 25 और ये लाइन कैप को हम राउंड कैप में रखते हैं और मीटर जॉइंट को भी राउंड जॉइंट पे रखते हैं। अब डैशेस को प्लस करने से यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा कि डैश कितना है और ऑफसेट कितना है। आप देख सकते हैं डैश को बढ़ाने से कुछ ऐसे अपीयर कर रहा है, कुछ लाइंस जैसे। तो डैशेस को अराउंड 105 रखते हैं। अब ये सेम चीज़ हमें करना है रेक्टेंगल टू के साथ। अभी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी बस ये एलिमेंट्स को हमें एनिमेट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारे बैकग्राउंड का एनिमेशन अपीयर कर रहा है। तो मैं तीनों को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ तो उससे और भी बेटर लगेगा, यहाँ पे रहेगा तो ये और भी बेटर है। अभी हमें ये तीनों को एनिमेट करना है, उसके लिए हम ये तीनों के स्केल प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं और ये मार्कर को वहाँ पर प्लेस कर देते हैं जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड का एनिमेशन जस्ट स्टार्ट हुआ हो और इस पॉइंट पर जाके ये तीनों के स्केल प्रॉपर्टीज़ को ओपन करके एक की फ्रेम प्लेस करते हैं और इनके स्केल वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देते हैं और जहाँ पर हमारे बैकग्राउंड का एनिमेशन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर जाके हमें स्केल वैल्यूज़ को फिर से 100 कर देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट हो गया होगा, आप देख सकते हैं। अब ये तीनों के की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इनको ईज कर देते हैं और ग्राफ एडिटर में जाके इनके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कुछ ऐसा लुक दे देते हैं। अब ये एलिमेंट्स के स्ट्रोक को रोटेट करने के लिए हम इनके ऑफसेट को एनिमेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर इनके कंटेंट्स पे जाके यहाँ पर डैशेस पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफसेट है। जहाँ पर ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ है वहाँ पर जाके ऑफसेट का की फ्रेम प्लेस कर देते हैं और पूरा लास्ट फ्रेम पर जाके ऑफसेट को बढ़ा देते हैं अराउंड 1500। यही सेम चीज़ हमें बाकी दो रेक्टेंगल एलिमेंट्स के साथ भी करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप जो होगा वो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का टेक्स्ट हम प्लेस कर देंगे। वो तो बहुत ही सिंपल है, बस टेक्स्ट टूल यूज़ करके यहाँ पर एक सब्सक्राइब लिख देना है। इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको हम अलाइन कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। ऑलमोस्ट बन चुका है, तो अभी हम इसमें भी एक छोटा सा एनिमेशन दे देते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसके पोजीशन प्रॉपर्टीज को रिवील करते हैं और यहाँ पर एक की फ्रेम दे देते हैं और थोड़ा सा फ्रेम पीछे जाके इसको हम आउट ऑफ स्क्रीन ले लेते हैं कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया होगा। इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। इस पर भी एक ड्रॉप शैडो हम ऐड कर देते हैं तो और भी एलिगेंट लगेगा ये। और इसके डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं और सॉफ्टनेस को अराउंड 20 और इसके भी की फ्रेम्स को हम इजी ईज कर देते हैं और ग्राफ एडिटर को जाके एक सिमिलर लुक दे देते हैं। तो आपका एनिमेशन फाइनली बन चुका है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।